केप टाउन से 1 जनवरी को रवाना होते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम बदल जाएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया, मौसम बदला तो ज़रूर लेकिन ख़राब चुका, यानी और ख़राब हो चुका। एट डॉन ऑन 2 जनवरी द वेव वेयर गाइगेंटिक मने विशाल का है, गाइगेंटिक मने विशाल का है, भयावह। डॉन यानी क्या होता है? DAWN डॉन, डॉन मतलब डॉन, बदमाश डॉन नहीं जो हम और आप सामान्य क्या समझते हैं। एट डॉन ऑन January 2nd द वेव्स वेयर गाइगेंटिक, गाइगेंटिक यानी विशाल काय, भयावह, विशाल काय। वेव्स यानी तरंगे, तरंगे विशाल काय हो चली, 15 मीटर ऊंची तो थी ही पहले 1 जनवरी 1977 को, अब तो और बड़ी हो गई, गाइगेंटिक हो गई। एट डॉन ऑन 2 जनवरी 1 तारीख की यात्रा शुरू हुई थी केप टाउन से, 2 जनवरी को अब क्या होता है, 2 जनवरी की सुबह, डॉन यानी प्रातः, सूर्योदय के समय को डॉन कहते हैं, सूर्यास्त के समय को डस्क कहते हैं, सूर्योदय के समय को क्या कहते हैं, डॉन, और सूर्यास्त के समय को डस्क। डॉन यानी बदमाशों का मुखिया नहीं, यहाँ पे डॉन यानी बदमाशों का मुखिया नहीं, उसकी स्पेलिंग है DON डॉन, मैं बात कर रहा हूँ DAWN डॉन, डॉन यानी सूर्योदय और डस्क यानी सूर्यास्त, DUSK। तो एट डॉन ऑफ January 2nd द वेव बिगेम गिगेंटिक, वी वेयर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब। अभी जब हम अपनी बोट में, अपनी किश्ती में जो यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा, वो एक छोटे से मस्तूल के बल पर कर रहे थे, किश्ती के साथ, देखिए आप, मस्तूल लंबा रहता है और एक छोटा उसके साथ डंडा और रहता है। वी वेर ओनली विद अ स्मॉल जिब एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 knots। KNOT, नॉट मतलब क्या होता है, नॉट माइल, समुद्री दूरी को नॉट मील में नापते हैं, समुद्र में जो दूरी होती है उसको नॉट मील में नापते हैं, सामान्य मील में नहीं। सड़क में जो मील का पत्थर रहता है वो 1 मील होता है, और नॉट मील जो होता है वह लगभग 2 किलोमीटर का होता है। कितने किलोमीटर का? लगभग 2 किलोमीटर का 1 नॉट माइल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉटिकल माइल। तो जो स्पीड थी उनकी वो करीब 8 knots per hour की थी, यानी करीब 17-18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी जो किश्ती थी वो चल रही थी, और हमने उसमें से, और हम केवल एक छोटे से जिप की मदद से यात्रा कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी स्पीड थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। एज द शिप रोज to the top of the wave we could see endless enormous seas rolling towards us. kya matlab hua? jaise hamara jahaz uthta tha, tarang aati thi, hamara jahaz uthta tha, aur jab uthta tha to us unchai se jo hame dikhai deta tha to enormous sea, enormous mane vishal, bahut badi matra mein, bahut bada samudra, charon taraf pani hi pani, enormous sea, endless enormous sea, अनंत, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी। हम तो समुद्र में बीच में कहीं पर थे, केप टाउन से 3,500 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, और जब हमारा जहाज, हमारा किश्ती वेव की, लहरों की, तरंगों की टकराती थी और जहाज उठता था, तो उसकी ऊंचाई से जो दृश्य दिखता था वो तो ऐसा था कि चारों तरफ पानी ही पानी, endless water, अनंत पानी, और वो पानी ऐसा जो हमारी तरफ आ रहा था, रोलिंग टूवर्ड्स अस, इट वॉज कमिंग टू अस, रोल डाउन, द स्टोन इज रोलिंग डाउन द रॉक द माउंटेन, रोल डाउन माने गोल 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 करके आना, द स्टोन इज रोलिंग डाउन द माउंटेन, एक बड़ा पत्थर पहाड़ से रोल होके नीचे गिर रहा है। तो पानी की लहरें लगातार आ रही थी एक के बाद एक, रोलिंग टूवर्ड्स अस, and the screaming of the wind and spray was painful to ear, aur scream matlab
जोर की चिल्लाहट, हवा की चिल्लाहट, क्योंकि समुद्र के ऊपर जब हवा चलती है, और वैसे ही मैंने पहले बताया कि वो जो हवा चल रही थी वो बहुत तीव्र थी, जिसे गेल कहते हैं, GALE, गेल। तो गेल की आवाज़ और समुद्र की टकराहट और किश्ती से उसका टकराना, ये बहुत गड़गड़ाहट वाली आवाज़ पैदा करता है। तो स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, विंड यानी हवा, विंड का चिल्लाना, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर, और स्प्रे होना मतलब फैलाना। स्प्रे आप सुनते होंगे, हमने पानी स्प्रे कर दिया है। आप परफ्यूम क्या करते हैं, इत्र को अपने शरीर में स्प्रे करते हैं। स्प्रे करना यानी फैलाना, छिड़कना। तो वो जो पानी की लहर, ऊंची ऊंची तरंगें जब जहाज से टकराती थी तो बहुत ज़ोरदार हवा की आवाज़ होती थी, और उसके साथ ही साथ जो स्प्रे होता था, जो पानी के बौछार बहुत तेज़ी से जो टकराती थी, क्योंकि हम लोग तो छत में थे, जहाज़ के छत में, तो वो टकराती थी तो बड़ा पेनफुल होता था, बहुत दर्दनाक होता था कान के लिए। उसकी गड़गड़ाहट, उसकी टकराहट और उसका साउंड, इट वॉज़ वेरी वेरी पेनफुल टू ईयर्स। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉम जिब, टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉम जिब। बोट को स्लो करने के लिए हमने जो पाल है जो मस्तूल में लगा था, उस पाल के साथ जो दूसरी चीज़ एक होती है, कहना चाहिए छोटा पाल, उसको हमने उतार दिया, क्योंकि उससे क्या होगा, जहाज की जो गति है वो कम हो जाएगी। मैंने बताया ना, जहाज थोड़ा तेज चल रहा था, लेकिन अब गति को कम करने के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके से लहरों से टकरा रहा था, डर पैदा हो रहा था, आवाज़ पैदा हो रही थी, तो हमने जहाज़ की गति को कम करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब। ड्रॉप करना मतलब गिरा देना, हमने स्टॉर्म जिब को गिरा दिया, एंड लैश्ड ए हेवी मूरिंग रोप, और लैश करना मतलब उसमें लपेट देना। मूरिंग क्या होता है, मूरिंग मतलब होता है जो अपन, हम लोग जहाज़ को जब समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, धरती के किनारे, तो जिससे बांधते हैं वो मूर कहलाता है। कश्ती को जिससे बांधते हैं उसे मूर कहते हैं। सो वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड हैविंग मूरिंग रोप, लंगर, मूरिंग रोप यानी लंगर वाली रस्सी। लंगर की रस्सी इतनी मोटी और भारी होती है कि उसे कई लोगों को उठाना पड़ता है। और भारी और मोटी क्यों होती है, क्योंकि उसी लंगर के बल पर जहाज को किनारे पहुंचने पर जमीन में गड़े हुए डंडों से बांधा जाता है। तो जहाज को बांधने के लिए जो रस्सी होती है वो लंगर कहलाती है, बड़ी भारी रस्सी। सो वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड हैवी रोपिंग मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न मतलब क्या होता है, जहाज का या बोट का पीछे का हिस्सा, उसे क्या कहते हैं, स्टर्न। देखिए, इस कहानी की प्रक्रिया में हम बोट या जहाज से संबंधित कई शब्दों को भी सीख रहे हैं, समुद्र से संबंधित कई शब्दों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा स्टर्न, स्टर्न यानी जहाज का पिछला हिस्सा, उस पर हमने लूप कर दिया। लूप कर देना यानी गोल गोल बांध देना। तो हमने बोट को उस जो मूरिंग रोप था, जिससे जो लंगर कहलाता है, उससे हमने उसको लपेट दिया। लपेटने का कारण क्या था, कि पूरा हिस्सा एक रहे, बोट टूट ना जाए। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और उसके बाद हमने और उसको टाइट किया, डबल लैश्ड, सबको पूरी अच्छी तरह बांधा। ये सब क्यों, आने वाली संभावित चिंता को लेकर, आने वाले संभावित तूफान को लेकर, जिसका दृश्य बड़ा भयावह हो रहा था। अभी तक जो यात्रा हुई थी प्लाईमाउथ से केप टाउन, बड़ी सुखद थी, शांतिमय थी, आनंदमय थी, और वो भी तब जब ये लोग केवल 4 लोग थे। अब केप टाउन से लोग 2 को लेकर चले, क्योंकि उनको मालूम था कि दक्षिण हिंद महासागर में बहुत तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, बहुत लंबी तरंगें आती हैं। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, संभावनाओं को देखते हुए तैयारी शुरू की। पहले उन्होंने मास्ट का एक जो छोटा जिब होता है उसको गिराया, ताकि उसकी नाव की गति कम हो जाए। नाव की गति कम होगी तो लहरों से जो टकराहट है, जिसमें नाव के पलटने की संभावना है, वो कम हो जाएगी। और उसके बाद उसको उन्होंने मजबूत लंगर जैसी रस्सी से बांधा, और उसको डबल लैश किया और मजबूत बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। ये लाइफ राफ्ट क्या होता है, लाइफ राफ्ट मतलब
जो जीवन बचाने के लिए किसी संभावित घटना समुद्र में किसी संभावित घटना दुर्घटना को लेकर जब एक्सरसाइज की जाती है उसे लाइफ राफ्ट ड्रिल कहते हैं। राफ्ट मतलब लकड़ी, राफ्ट मतलब लकड़ी नहीं, राफ्ट मतलब होता है एक तरह का छोटी छोटी नाव, छोटी छोटी नाव, तो जो हमारी जान को बचाने में मदद करती है। यदि हमारा जहाज़ डूब रहा है तो जहाज़ में बैठे हुए लोग उस राफ्ट में कूद जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं और उसके बाद फिर वो लहराते हुए कहीं किनारे में जाकर राफ्ट लगता है किसी धरती के किनारे में, किसी समुद्री किनारे में जाकर। सो देन वी डबल लैश एवरीथिंग वेंट थ्रू अवर लिफ्ट राफ्ट ड्रिल। ड्रिल यानी एक्सरसाइज, टू गो थ्रू, वेंट थ्रू मतलब गुजरना, पास्ट मतलब भी गुजरना, और वेंट थ्रू, गो थ्रू का अर्थ भी गुजरना, गो थ्रू मतलब पढ़ना भी, अध्ययन ध्यान से पढ़ना को गो थ्रू कहते हैं। तो हमने ध्यान से ये पूरा कार्य किया, क्या कार्य, अपने को कैसे बचाएं उसका ड्रिल किया, उसकी एक्सरसाइज की, आने वाली संभावनाओं दुर्घटनाओं के देखते हुए, संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, टू डॉन मतलब, देखिए यहाँ एक शब्द और आया डॉन, मैंने एक डॉन का बताया था, बड़ा दादा, किसी कॉलोनी का बड़ा मुखिया। दूसरा डी ए डब्ल्यू एन डॉन मैंने मैंने बताया था सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त नहीं सूर्योदय, और यहाँ आया है डॉन मैंने पहनना, टू डॉन मैंने पहनना, आई हैव डॉन ए जैकेट, मैंने एक जैकेट पहना है, आई हैव डॉन ए कोट, मैंने एक कोट पहना है। सो डॉन ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन क्या है, एक ऐसे तरह का जैकेट जो चिकना होता है, पानी उसमें नहीं सूखता, पानी नहीं पकड़ता, तो ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स। और लाइफ जैकेट क्या होते हैं, आपने देखा होगा नदी में, समुद्र में या पानी वाले क्षेत्रों में जान बचाने के लिए जो लोग कुछ रहते हैं वे लोग एक खास रंग का एक जैकेट पहने रहते हैं, बड़ा रंगीला रहता है ताकि लोगों का ध्यान तुरंत चला जाए। और जो लोग नाव में नौका विहार करते हैं, झील में नौका विहार करते हैं, उनको भी ये लाइफ जैकेट पहनाया जाता है। ऐसा जैकेट जो जीवन बचाने का काम करे उसे कहते हैं लाइफ जैकेट। सो हमने लाइफ जैकेट भी पहन लिया, ऑयल स्किन भी पहन लिया, और उसके बाद अटैच लाइफ लाइन और रस्सी से अपने को बांध दिया। लाइफ लाइन मतलब एक तरीके से अपने को उससे जोड़ लिया। दूसरे शब्दों में 2 तारीख की सुबह 6 बजे का जो दृश्य देखा उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके मद्देनज़र हमने पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी, भीषण घर्षण की आवाज़, टकराहट की आवाज़। तो हमने नाव की स्पीड कम की, हमने उसके बाद टॉम जिप को नीचे किया और फिर उसके बाद लंगर से बांध दिया अपने जहाज़ के पिछले हिस्से को उसके साथ ही। देन वी डबल लैश एवरीथिंग, फिर हमने और पुनः उसको और मजबूत किया, फिर उसके बाद लाइफ ड्रिल एक्सरसाइज की, लाइफ ड्रिल एक्सरसाइज के बाद हमने लाइफ लाइन अटैच की, और उसके बाद एक जैकेट अपना ऑयल स्किल पहन लिया और लाइफ जैकेट पहन लिया। लाइफ जैकेट पहनने से क्या होता है कि यदि आप पानी में गिर गए तो आप डूबने से बचते हो। वो जैकेट में ऐसा प्रावधान रहता है कि आप ऊपर ही ऊपर सतही रहते हो, डूब नहीं पाते, और जब तक थोड़े टाइम मिल जाता है तो आपको बचाने के लिए कोई आ सकता है। तो ये होता है लाइफ जैकेट। एंड वी वेटेड, ये सब करने के बाद अब हम प्रतीक्षा कर रहे थे, किस चीज़ की, उस भयावह क्षण की जिसकी संभावना थी। एंड वी वेटेड, वेट करना यानी प्रतीक्षा करना, वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय, तो यहाँ एंड वी वेटेड, वी वेर ऑल रेडी, ऑल सेट, ड्रिल्स डन, स्टेप्स टेकन, प्रिकॉशंस डन, नाउ वी वेटेड फॉर द टाइम व्हेन मोर ट्रबल्स विल कम। हम उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब और ज़्यादा समस्याएं आने की शंका थी। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 AM विथ एन ओमिनस साइलेंस। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग मतलब आने वाला, संभावित, इम्पेंडिंग मीन्स संभावित, इट इज इम्पेंडिंग, अब ये होने वाला है।
डिज़ास्टर मतलब क्या होता है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट आज एक बहुत महत्वपूर्ण भारत का विभाग है, जिसका काम है बाढ़ आदि में होने वाली घटनाओं में फंसे हुए लोगों को बचाना, डिज़ास्टर। तो बहुत बड़ी कोई सी ऐसी घटना, खतरे वाली ऐसे घटना की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो इट केम एट अबाउट 6 PM। PM मींस शाम का 6 बजे, AM मींस सुबह का 6 बजे। सो 6 PM में आया विथ एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस मतलब आभास देती हुई, साइलेंस मतलब शांति। एक अचानक शांति नजर आई, है ना? अंग्रेजी में जैसे कहते हैं या हिंदी में भी कहते हैं कि तूफान के पहले बड़ी शांति होती है, और वही दृश्य यहाँ पे कुछ ऐसा था कि द इम्पेंडिंग, द इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब एक सूचना, इशारा, हिंट आ गया करीब 6 बजे शाम को, जब कुछ हलचल हुई, और विथ एन ओमिनस साइलेंस द विंड ड्रॉप्ड, हवा जो थी वो कम हो गई। तूफान के पहले क्या होता है? शांति होती है। तूफान के पहले शांति होती है। यहां अब तूफान आने ही वाला था, कुछ बड़ा खतरा आने ही वाला था, उसके पहले की शांति, हवा रुक गई। ड्रॉप्ड मतलब द विंड ड्रॉप्ड मतलब गिरना नहीं, ड्रॉप का अर्थ होता है रुक जाना, कम हो जाना। द स्पीड ऑफ द कार ड्रॉप्ड, कार की स्पीड कम हुई। द स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्रॉप्ड मतलब ड्रॉप मतलब कम, DROP, ड्रॉप माने कम होना, गिरना भी, यहाँ पर कम होना। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई था, जो बादल था, जो आकाश था, वो अंधेरा हो गया। 6 बजे की शाम को अचानक हवाएं रुक गईं, एक शांति हो गई, और अचानक अंधकार हो गया। स्काई ग्रू डार्क, ग्रो से बना, ग्रो मने होना, बढ़ना, टू ग्रो, और जो आकाश है वो अंधेरा हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर मतलब बहुत जोरदार आवाज, हवाओं की, थंडर की बहुत जोरदार आवाज। देन केम ए ग्रोइंग रोर, एक बढ़ती हुई आवाज आई, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर ऑफ द शिप, बहुत जोरदार आवाज आई, एन एनॉर्मस क्लाउड टावर ऑफ द शिप। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, विशाल काय, एनॉर्मस मतलब विशाल का, एक बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा ठीक जहाज के ऊपर आ गया, हमारे शिप के ऊपर आ गया, हमारे बोट के ऊपर आ गया। टावर्ड एफ ऑफ द शिप, टावर्ड उसके ऊपर आ गया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। ये जो सब हो रहा था उसमें मुझे लगा हवा रुकी, आवाज शांत हुई, तूफान आया, और ऐसा लगा कि अब, और अंधेरा हुआ, ऐसा लगा बादल काले आ गए। लेकिन ये गलत बात थी, ऐसी नहीं था। बहुत घबरा कर, हॉरर मतलब आपने हॉरर फिल्म देखी होगी, हॉरर फिल्म सुनी होगी, जिसमें बहुत खतरनाक, बहुत घबराहट, भूत प्रेत वाली बातें होती हैं। ऐसा फिल्म, ऐसी घटना, ऐसी कहानी, हॉरर स्टोरी, तो हॉरर मतलब भयानक। तो विथ हॉरर, बहुत घबरा कर, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। मैंने जान देखा, अरे ये तो बादल नहीं है। इट वॉज नॉट ए क्लाउड, क्लाउड यानी बादल, बट ए वेव लाइक नो अदर। अंधेरा जो हुआ था, मैंने रियलाइज किया कि बादलों के कारण नहीं हुआ था, अचानक बादल नहीं आए, बादल तो धीरे धीरे आते हैं, कुछ समय लगता है। अचानक जो अंधकार हुआ को देख के फिर रियलाइज हुआ कि अंधकार बादलों के कारण नहीं, बस एक बहुत ऊंची ऊंची लहरें अब आ रही थी, उससे हुआ। वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन,
ऐसी ऐसी तरंगें, ऐसी ऐसी समुद्री लहरें जहाज़ की तरफ आ रही थी जो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन, मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा था। सी सॉ सीन, सी मैंने देखना, सी सॉ सीन। तो तीसरा फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट सीन। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द शिप, ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव। वो जो तरंग थी, तरंग इतनी ऊंची थी कि बिल्कुल जहाज के सामने बिल्कुल वर्टिकल, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, सीधा समानांतर ऊपर, बिल्कुल वर्टिकल एक वेव थी। और कितनी ऊंची, एज ट्वाइस, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव। दूसरी जो लहरें आ रही थी 15-20 मीटर की लहरें, जिसका जिक्र मैंने पूरा पहले किया है, उसकी तुलना में ये डबल हाइट की थी। मतलब समझ लीजिए करीब 40 मीटर की ऊंचाई होगी, 40 मीटर की ऊंचाई मतलब लगभग 100 फीट से ज़्यादा की ऊंची ऊंची लहर आ रही थी। और 100 फीट यानी आप समझ सकते हैं कि एक फीट में, एक मंजिल में 12 फीट होते हैं, तो करीब 8 मंजिला 9 मंजिला ऊंचे मकान के जैसी लहर, कल्पना करिए कितनी ऊंची समुद्री लहर होगी। और इसीलिए अंधेरा हो गया क्योंकि बादल, क्योंकि आकाश छिप गया था। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, दिखाई दिया, दिखाई देना, टू अपीयर मने दिखाई देना, टू सी मने देखना, और टू अपीयर मने दिखाई देना। सडनली इट अपीयर्ड वर्टिकल, सीधी दिखाई दी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। फ्राइटफुल मने भयानक। आप देखिए इस घटनाक्रम में हवा के लिए कई शब्दों का उपयोग हुआ है, ऐसी खतरनाक या भयानक के लिए भी कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ये शब्दों के मायने एक तरीके से भयानक है, लेकिन अलग अलग उसका स्तर है। बहुत ज़्यादा भयावह, अत्यंत भयावह, ऐसी ऐसे श्रेणियों के अनुसार ये शब्द हैं। यहाँ पर है विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब बहुत भयावह, घबराहट वाला, टूटने की आवाज़ आई। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, अब रोर जो था, रोर यानी बड़ी हवा की आवाज़, तेज आवाज़, हवा पानी के टकराने की आवाज़। और समुद्र में आप समझ सकते हैं कि हवा का बहाव कितना तेज होगा, और खासकर तब जब लहरें भी उसके साथ, हवा के साथ उड़ रही हैं, उछल रही हैं, उठ रही हैं, तो इनकी टकराहट रोर अब उससे भी ज़्यादा होने लगा, अब थंडर होने लगा, बहुत भयंकर आवाज़ आने लगी। The roar increased to a thunder as the stern moved up to the face of the wave. Then the roar increased to a thunder as the stern moved up to the face of the wave. Stern मतलब क्या होता है, वही जहाज के मस्तूल में लगा हुआ हिस्सा होता है, वो अब वेव की दिशा में, तरंग की दिशा में आ गया। तो तरंग की दिशा में आने से क्या हुआ, टकराहट हुई और बुरी तरह बहुत जोरदार आवाज मिली। तेज हवा की पाल से जो टकराहट उसका जिक्र हो रहा है, और स्टर्न मूव किया, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। एक क्षण मुझे लगा कि अब हम शायद इससे, इस लहर से, इस तरंग से हम निकल जाएंगे। टू राइड ओवर, टू राइड, राइड मतलब चढ़ना, लेट अस गो फॉर ए राइड, चलो थोड़ा गाड़ी में घूमने चलें। आई एम गोइंग फॉर ए साइकिल राइड, राइड मने चढ़ना, चलना, चढ़ के राइड करना। सो साइकिल राइड, मोटर बाइक राइड, कार राइड, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर राइड ओवर शब्द है। राइड ओवर मतलब उसके ऊपर से हम उबर जाएंगे। ऐसा लगा कि तरंग जो आ रही है, जोरों की जो लहर आई है, जो करीब 40 मीटर है, उस लहर के ऊपर हमारा बोट पहुँचा, और अब हम
उससे उबर जाएंगे, उससे निकल जाएंगे। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हम इससे बच जाएंगे, बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। जब मैं ऐसा सोच ही रहा था कि शायद इस बहुत बड़ी तरंग के दुष्प्रभाव से हम बच के निकल जाएंगे, उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ, एक्सप्लोजन यानी धमाका, कुछ चीज़ का फूटना, आवाज़ आना, फूटने की आवाज़ आना, टूटने की आवाज़ आना, बहुत बड़े स्तर पर, तो बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन जैसी आवाज़ आई एंड इट शूक द डेक। डेक क्या होता है? जो बोट होती है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, प्लेटफॉर्म जो रहता है उसे डेक कहते हैं, और जो डेक है उसको हिला दिया। शूक शब्द किससे बना है? शेक से। टू शेक मतलब हिला देना। आई हैव शेकन द क्लॉथ, मैंने कपड़े को हिला दिया है, क्योंकि कपड़े में मुझे शंका थी कि कुछ कीड़ा है, तो आई हैव शेकन द क्लॉथ। व्हाई आर यू शेकन, तुम क्यों हिल रहे हो, इतने घबराहट में क्यों दिख रहे हो? शेक हो जाना ने घबरा भी जाना, तो शूक द डेक, और उससे बना शेक, शूक, शेकन। तो शूक इज पास्ट टेंस, शेक, शूक, शेकन। और मैंने जो सोचा था कि हम इससे उबर जाएंगे, वी विल राइड ओवर इट, ऐसा नहीं हुआ, उल्टा एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ और डेक जो है वो बुरी तरह हिल गया। एक आवाज़ आई और से डेक जो है, जो उसका ऊपर का जो फ्लोर रहता है वो हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। देखिए, टू ब्रेक एक शब्द है और टू ब्रेक ओवर एक और शब्द हो जाता है। टू राइड एक शब्द है, उसका एक अलग अर्थ है, टू ब्रेक का अलग अर्थ है, टू ब्रेक ओवर का अलग शब्द अर्थ है और टू राइड ओवर का अलग अर्थ है। दूसरे शब्दों में क्रियाओं के साथ यदि हम इन शब्दों को लगाएं, ओवर, इनटू, इन, आउट, ऑन, ऑफ, बहुत सी क्रियाओं के साथ हम इनको लगाएं, इन शब्दों को, तो इनके अर्थ बदल जाते हैं, दूसरे अर्थ हो जाते हैं। और सरल शब्दों में यदि मैं बोलूं तो एक उदाहरण यदि मैं दूं, गो, गो माने जाना, जो हम जानते हैं। गो ऑन मतलब उसमें ऑन लग गया है, गो ऑन मतलब जारी रखना, अब जाना नहीं, गो ऑन मतलब जारी रखना, राइट। गो इन मतलब अंदर जाना, गो अप यानी ऊपर जाना। तो क्रियाओं के साथ ऐसे शब्दों को लगाकर हम नए शब्द तैयार कर सकते हैं, नए शब्द जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो उपयोग हुआ वो है, ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टोरेंट मतलब झपार, टोरेंट यानी झपार, सफ़ेद और हरे पानी की झपार जो समुद्र से आई, वो उसने पूरे डेक को भर दिया, शिप को भर दिया, उससे लबालब हो गया, लबरेज हो गया, क्योंकि वेव बहुत ऊपर थी, नौका उतनी ऊपर तक गई नहीं, और जब नौका को लहरों ने मारा तो डेक हिला, टूटा और पानी पूरा भर गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील, माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील। स्मैश होना मतलब टकरा जाना, टूटना, बुरी तरह टकराना, मेरा सिर बुरी तरह व्हील से टकरा गया। जहाज का व्हील नहीं होता नीचे, जैसे कार का व्हील होता है, यहाँ पर व्हील का अर्थ है स्टीयरिंग। जहाज का जो व्हील होता है उसे, जहाज का जो स्टीयरिंग होता है, बड़ा स्टीयरिंग, बहुत बड़ा रहता है, उसे व्हील कहते हैं। तो मेरा सिर उससे टकराया, लोहे का व्हील होता है, उससे टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव,
क्या बोल रहा है, लेखक क्या बोल रहा है, लेखक का अर्थ नैरेटर। इस कहानी में जो बिजनेसमैन है 37 साल का, यानी मैरी का पति, दोनों बच्चों का पिता, वो इस घटना का वर्णन कर रहा है। और उसके बाद बोलता है कि जब बहुत बुरी तरह पानी आया, टकराया, तो मेरा सिर व्हील से टकराया, स्टीयरिंग से टकराया, स्मैश्ड इनटू इट एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव, और हवा में मैं उछल गया, पानी की तरंगों ने मुझे उछाल दिया, और उछालने के बाद आई फ्लाइंग ओवरबोर्ड, हवा में उड़ गया, फ्लाई मतलब उड़ना, ओवरबोर्ड बोर्ड के ऊपर यानी जहाज के ऊपर, वहाँ मैं उछल गया। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि आई एम सिंकिंग बिलो द वेव, टू सिंक मैंने डूबना, वेव की तरंगों के नीचे अब मैं डूब रहा हूँ, अब मुझे लगा। ये देखिए, ये घटनाक्रम सब एक फ्रैक्शन ऑफ इस मिनट में हो रहा है, कुछ क्षणों की घटना का वर्णन है ये कहानी। जो दूसरा चरण हम कहानी का पढ़ रहे हैं, जिसमें वह 3,500 किलोमीटर आगे केप टाउन के आ जाते हैं, और 2 जनवरी की शाम को ये घटना होती है, ये दूसरा चरण है। इसमें कितनी तेज़ी से कहानी बढ़ती है, ये सब एक साथ हो रहा, बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं पुरते दुरादू, द रोर इंक्रीज्ड टू थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द शिप, shook the deck. A torrent of green and white water came in, broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard. Aware होना मतलब जानकारी होना, मालूम होना, मतलब उस समय मैं होश में था, मेरा सिर टकराया बुरी तरह, मैं हवा में उछला, ये मुझे मालूम है। हवा में उछलने के बाद फिर नीचे गिरा तो ऐसा लगा कि अब मैं तरंगों के नीचे आ गया हूं। एंड सिंकिंग बिलो द वेव आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अप्रोचिंग मने आता हुआ, अप्रोचिंग मने आता हुआ, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग यानी अप्रोचिंग, इम्पेंडिंग डेथ, अप्रोचिंग डेथ, मैंने अब स्वीकार कर लिया, टू एक्सेप्ट मैंने स्वीकार कर लिया। अभी तक होश में था मैं, और जब मैं वेव के नीचे आ गया, लहरों के नीचे आ गया, आई एक्सेप्टेड माय अप्रोचिंग डेथ, मैंने अब मान लिया कि अब मैं मर जाऊंगा, आई विल डाई। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और ये सब बड़ी तेजी से हो रहा है, और एकदम मेरा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होश, होशी, होश, अनकॉन्शियस यानी बेहोश, कॉन्शियस यानी होश, और मेरा होश धीरे धीरे कम होते जा रहा था, यानी बेहोशी बढ़ती जा रही थी, और बढ़ती बेहोशी के साथ मुझे एक शांति मिली। एक होता है ना कि अब जब मस्तक बेहोशी में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो एक तरीके की आपको शांति लगती है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आप किसी से टकरा रहे हैं, आप कहीं गिर रहे हैं, तो बेहोशी की स्थिति में अंदाज नहीं रहता। तो मैं उछला, वेव के नीचे आया, वेव के नीचे आने के बाद मुझे लगा अब तो मैं गया, अब तो मेरी मौत आ गई, और मैं बेहोश होने लगा तेज़ी से, और मुझे एक तरीके की शांति मिली, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने बहुत शांति महसूस की। फील फेल्ट फील करना मतलब महसूस करना, तो मैंने शांति महसूस की। देखिए सब घटना सब 1-2 मिनट के अंदर की घटना है। 6 बजे तूफान आता है और 6:05, 6:10 तक ये सब हो जाता है।